तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर व्लॉग एंड अनदर कार। हम देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। ये फेयरलेस प्लस ही है, कल आपने मैनुअल ट्रांसमिशन में देखा था, आज आप देख रहे हो ये डीसीटी में। इसमें हमें 7 गियर का ट्रांसमिशन मिल जाता है डीसीटी में। टोटल 3 मिलते हैं इसमें, एएमटी मैनुअल ट्रांसमिशन और डीसीटी। एएमटी और आपका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो 6 गियर के साथ मिलेगा, डीसीटी 7 गियर के साथ। 12,19,990 एक्स शोरूम प्राइस आ जाते हैं इस वेरियंट के हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। और स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ के प्राइस अलग हो जाएंगे, वो भी हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। फेयरलेस पर्पल कलर देख रहे हो आप, डायमेंशंस चेंज हो चुके हैं पहले से गाड़ी के। डायमेंशंस में या डिस्प्ले पे डाल देता हूँ, और इसमें क्या क्या अपडेशन है, क्या क्या मिल जाता है उसके बाद बात कर लेते हैं हम टॉप ऑफ द लाइन के अंदर। वैसे आप डुअल टोन में देख रहे हैं ये फेयरलेस पर्पल, और इसकी रूफ ब्लैक मिलेगी, और इसमें आपको मोनोटोन भी मिल जाएगा। कुछ इस तरह की मिल जाती है स्मार्ट की, की में कोई चेंजेस नहीं करे टाटा का लोगो। लॉक अनलॉक जिसे प्रेस करके लाइट जल जाएगी, और ये आपका बूट गेट ओपन करने के लिए। अच्छा, इसमें जैसे हम गाड़ी लॉक करेंगे तो यहाँ आपके इंडिकेटर इस तरह से वर्क करेंगे, वहीं अनलॉक करेंगे तो ORBM आपके अनफोल्ड हो जाएंगे, और DRL कुछ इस तरह से वर्क करेंगे। ये वेलकम फीचर मिल जाता है। तो जैसे मैंने दिखाया आपको, अगर अनलॉक करेंगे तो फोल्डर जो आपके ORBM है वो अनफोल्ड हो जाएंगे, अगर गाड़ी अनलॉक करेंगे, और फोल्ड करेंगे तो ORBM आपके फोल्ड हो जाएंगे। उसमें भी कुछ DRL इस तरह से एनिमेशंस आएंगे, देख रहे हो ना कितने प्यारे लग रहे हैं। अनलॉक पे भी दिखाता हूँ, मजा आ रहा है देखिए, थोड़ा सा कुछ इस तरह से एनिमेशंस वर्क करेंगे आपका। और वहीं आप जब इसे गाड़ी को लॉक करेंगे इस तरीके से, ORBM फोल्ड हो जाएंगे और DRL इस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं गाड़ी में फीचर्स क्या क्या ऑफर कर दिया टाटा इसके अंदर। पहले आपको लाइट दिखा देता हूँ। यहाँ आपको LED बेस हेडलैम्प्स मिलेंगे, लो बीम आई बीम के लिए प्रोजेक्टर मिलेगा LED बेस, ऊपर DRL यही आपका इंडिकेटर में वर्क करेगा। नीचे क्यूब आइस क्यूब फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, ये भी आपको LED बेस मिलेंगे। आगे 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा मिल जाता है, ये पार्ट सिल्वर देखने के लिए मिलेगा टाटा का लोगो। रेन सेंसरिंग वाइपर्स हैं विद 2 वॉशर, 360 डिग्री व्यू के लिए भी आपको इसमें कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर आइस क्यूब के लिए आपको आइस क्यूब 2 पीस में आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल पे बताऊँ आपको, डायमेंशंस चेंज हो चुके हैं। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 208 mm हो चुका है, वो आपको 208 mm मिलेगा। लेंथ विड्थ हाइट में भी थोड़ा सा फर्क है, डायमेंशन में फिर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। एज ऑफ स्टार्टिंग में भी दिखाए थे डायमेंशन मैंने, वहीं बताऊँ कि यहाँ पे हमें अलॉयज मिलेंगे कुछ इस तरह के। फ्रंट डिस्क रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, 215/60/16 का टायर साइज मिलेगा। क्लैडिंग का पार्ट सराउंडिंग देखने के लिए मिलेगा, रनिंग बोर्ड के ऊपर भी मिलेगा और डोर्स में भी नीचे। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। डोर हैंडल सेम बॉडी कलर मिलेंगे। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORBM मिलेंगे विद कैमरा, जो 360 डिग्री रिव्यू में आपका काम करेंगे। ए पिलर बी पिलर सी पिलर सारे ब्लैक हैं, यहाँ से आप गाड़ी देख सकते हैं। रूफ रेल्स मिल जाते हैं सिल्वर, शार्क फिन एंटीना, यहाँ आपका सनरूफ मिल जाएगा। तो कुछ गाड़ी का साइड प्रोफाइल आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर लुक पे, रियर लुक पे भी आपको दिखा दूं। यहाँ आपका कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे LED बेस आपको पूरे। यहाँ पे स्टॉप लैंप मिलेगा, छोटा सा इस जगह पे स्टॉप लैंप है। डिफॉगर मिल जाएगा, ईयर फिशर मिलेगा टाइगर का। यहाँ आपको वाइपर मिलेगा विद वॉशर, रूफ रेल इसके स्पॉयलर के अंदर दिया हुआ है। शार्क फिन एंटीना टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नेक्सॉन की बैजिंग टाटा का लोगो, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट के हुए, और सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी। रियर आपका फॉग लैंप्स, इंडिकेटर एक बार ऑन करके, और इसके जो इंडिकेटर है ना सीक्वेंस में वर्क करेंगे, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, सीक्वेंस में वर्क करेंगे इंडिकेटर। बाकी यहाँ से गाड़ी का रियर लुक देख सकते हो। यहाँ आपका फ्यूल टैंक, 384 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है हमें। इलेक्ट्रिक बटन मिल जाता है बूट गेट खोलने के लिए, 384 लीटर का बूट स्पेस है। पार्सल ट्रे, यहाँ पे लाइट मिल जाएगी, 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, तीन टोटल 12 किलो वेट आप हैंग कर सकते हैं। एक सब बूफर यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील विद टूल्स। अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पैसेंजर डोर ओपन करेंगे पर्पल और ब्लैक के साथ, इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा इसका डुअल टोन में। ये डोर एक्सेस हैंडल, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए स्पीकर, JBL के स्पीकर्स मिलेंगे, वाटर बॉटल स्पेस। पीछे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर, AC वेंट, USB टाइप सी, और लाइट आगे मिलेगी एक। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 का कॉम्बिनेशन है।
अब की तो मैं दिखा चुका हूँ आपको गाड़ी की, कुछ ऐसी की मिल जाती है पहले वाली। अब चलते हैं अंदर, जैसे यहाँ डोर ओपन करेंगे वो तो मैं इंटीरियर पूरा दिखा चुका आपको। ड्राइवर डोर पैनल पे यहाँ पे आपको ORBM कंट्रोल यूनिट है, ये डोर ओपनर, लॉक अनलॉक, चारों पार विंडो, वन टच अप वन टच डाउन ड्राइवर मिलेगा। ड्राइवर ट्री में आर्मरेस्ट थोड़ा सॉफ्ट टच में, रिफ्लेक्टर, वाटर बॉटल्स पे स्पीकर, JBL की बैजिंग या अम्ब्रेला रखने की जगह मिल जाएगी। दोनों सीट्स फ्रंट वाली वेंटिलेटेड मिलेंगी, मैनुअली हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक एक्सीलेटर ये DCT वेरिएंट है, स्पेस या AC वेंट, यहाँ थोड़ा रग फील मिलेगा, ये भी पर्पल ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी में, अब इंटीरियर में बात करेंगे स्टीयरिंग से। तो यहाँ में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, काफी प्यारा स्टीयरिंग दिया है, लेदर रैप स्टीयरिंग है, बट पहले स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखेंगे हम। यहाँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, स्टीयरिंग टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोप। वही बात करें स्टीयरिंग का, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, ये पर्पल देखने के लिए मिलेगा आपको। इल्यूमिनेटेड पार्ट मिलेगा ये पूरा आपका, जब आप इग्निशन ऑन करेंगे, एसएसएस मोड पर जब ऑन करूंगा दिखाऊंगा आपको। ये आपका पूरा लेदर रैप स्टीयरिंग है, यही आपका हॉर्न में काम करेगा। पेंडा शिफ्टर्स मिल जाते हैं DCT वेरिएंट में, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है। अब ये देखो इल्यूमिनेटेड, आपको इसमें टाटा का लोगो मिलेगा, ये पूरा इल्यूमिनेटेड पैनल मिलेगा। जैसे मैं इसे एसेसरीज मोड पे डालूंगा तो यहाँ आपके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल यूनिट और टाटा का लोगो, ये आपका हॉर्न, सारी चीजें यहाँ पे शो हो गई। और आप इग्निशन ऑन करेंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे आपका मैनुअल हेडलैम्प कंट्रोल्स, यहाँ ऑटो वाइपर कंट्रोल, पेंडल शिफ्टर्स दिखा चुका मैं इसमें आपको। एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दिखा देता हूँ ऑन करके। ये देखो पूरा डिजिटल मिलेगा, टाटा मोटर्स आएगा पहले इस पे लिखा हुआ इस जगह पे, फिर उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका पार्किंग का फिलहाल नोटिफिकेशन आ रहा है, ये RPM है, इस साइड आपके स्पीड मीटर है। इसमें हमें सिटी, इको, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी ड्राइव मोड, सिटी, इको और स्पोर्ट्स, तीन ड्राइविंग मोड मिल जाएंगे इसमें हमें, एक्टिवेटेड, ठीक है। यहाँ पे RPM 1 किलोमीटर है, बीच में आपका MIDR है छोटी सी, पांचों एयरबैग्स की नोटिफिकेशन आएगी, फ्रंट की भी और पीछे के भी, तीन सीट्स की। यहाँ पे जैसे रेड अभी एक हुआ पड़ा है, जब पांचों लोग बैठ जाएंगे तो पांचों रेड हो जाएंगे। एक बार मैं इसके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि दिखा सकूं एक बार। यहाँ ये देखिए, ये तो यार ये गाड़ी ऑन नहीं हुई, गाड़ी ऑन करने की कोशिश करी मैंने तो गाड़ी ऑन नहीं हुई। यहाँ आपके सिटी मोड, ड्राइविंग मोड वगैरह सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी इसमें पूरा ये डिजिटल दिया हुआ, यहाँ ट्विटर है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं हमें बेस वेरिएंट से देखने के लिए। कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड व्यू आएगा, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आ जाता है। यहाँ पे आपको पॉपअप डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें 360 डिग्री व्यू का कैमरा भी आपका काम करेगा। यहाँ पे ये प्रेस करेंगे तो 360 डिग्री व्यू, 2D 3D में आप इसे देख सकते हैं, साइड्स भी देख सकते हैं, पूरी गाड़ी भी रोटेट हो जाएगी इस तरीके से। वहीं आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ऊपर आएंगे तो यहाँ ए पिलर्स में ट्विटर मिल जाएंगे आपको, एयरबैग मिल जाते हैं, टोटल 6 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं हमें बेस वेरिएंट से टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में। इसमें हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अच्छा डैशबोर्ड है, अच्छा बोनट व्यू आ रहा है। यहाँ पे 10 इंच की आपको इन्फोटेंट सिस्टम मिल जाएगा देखने के लिए, जिसमें आपका गैजेट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपका JBL का भी नोटिफिकेशन आ रहा है, एक्वाई वगैरह भी आप देख सकते हैं, और इसमें आप ऐप भी डाल के यूज कर सकते हैं, जैसे आपका Amazon Prime वगैरह हो गया, Netflix वगैरह हो गया, YouTube होगा, वो वीडियोस भी देख सकते हैं, बट वो आप उस टाइम पे देख पाएंगे जब आपकी गाड़ी खड़ी होगी, ड्राइविंग के टाइम पे आप वो चीज़ नहीं देख पाओगे। बाकी Android Auto और Apple CarPlay इसमें मिल जाता है हमें, GPS की पूरी कनेक्टिविटी मिल जाती है। 6 स्पीकर दिए हुए हैं इसमें, टोटल 4 स्पीकर्स हैं, 5 स्पीकर्स हैं, 2 ट्विटर दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। उसके लिए आप मेरे उस पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वॉइस क्वालिटी आपको पता चल जाएगी। नीचे 2 AC वेंट, ये आपको ग्लोसी सिल्वर का ट्रीटमेंट मिलेगा, ये थोड़ा पर्पल मिलेगा जैसे इंटीरियर थीम है इसका, ब्लैक, ये रग्ड फील सा मिलेगा थोड़ा, काफ़ी अच्छा लगता है देखने। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन में आपको दिखा चुका। यहाँ आपके AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, ये 360 डिग्री व्यू के लिए ये भी टच मिलेगा। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, बूट गेट खोलने के लिए यहाँ से भी खोल सकते हैं आप, टच बटन भी है। इंडिकेटर ये फॉग लैंप्स के लिए, नीचे आपका डिफॉगर्स वगैरह के कंट्रोल्स दिए हुए हैं AC के, ऑटो AC के। ये टेम्परेचर के लिए फिजिकल बटन है, ये ब्लोअर के लिए। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट USB Type-C मिलेगा। गियर लीवर बड़ा प्यारा दिया है इसमें DCT के अंदर देखने के लिए,
ये आप देख रहे हो, ये बड़ा प्यारा है डीसीटी के अंदर। ये आपको सिर्फ आगे पीछे करना होगा इस तरीके से, और ये आपका ड्राइविंग मोड चेंज हो जाएंगे। पार्किंग के लिए बटन दे दिया यहाँ से, और ये देखो लग कितना लग्जरी रहा है ना, रनिंग, न्यूट्रल और ड्राइविंग। सिटी इको ड्राइविंग बोर्ड मिल जाएंगे, सिटी इको स्पोर्ट्स ड्राइविंग मोड मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जर, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, कप, यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट मिलेगा, स्लाइडेबल नहीं है बट स्टोरेज मिल जाएगी नीचे। यहाँ पे आपको कूल ग्लोव बॉक्स मिलेगा विद लाइट और काफी अच्छी स्टोरेज के साथ। यहाँ भी एक एयरफिस मिल जाएगा बना हुआ टाइगर का। यहाँ पे आपके ऑटो डिमिंग IR में मिलेंगे, जैसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। व्हाइट रीडिंग लाइट्स मिलेगी इस जगह पे। यहाँ पे आपका सनरूफ मिलेगा सिंगल टच पे, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। बाकी जो इसका कर्टन है वो आपको नॉर्मली मतलब मैनुअली फोल्ड एंड वो क्या नाम है बंद करना होगा और खोलना होगा। यहाँ पे आपके एयरबैग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे माइक्स, यहाँ वेंटी मिरर मिल जाएगा सन वाइजर में। इस साइड खाली टिकट होल्डर है। अब इसे कर देते हैं सनरूफ को बंद, यहाँ से कर्टन इसका, ये देखो कर्टन आ गया। कर्टन आपको इस तरह से बंद करना होगा। रीडिंग लाइट आ गई, यहीं पे मिलेगी एक वाइट, पीछे कोई रीडिंग लाइट नहीं है। तो भाई ये पूरा ड्राइवर फ्रंट आप चेकआउट कर सकते हो कि गाड़ी कैसी लग रही है देखने में। अब चलते हैं इंजन कैबिनेट, वही इंजन कैबिनेट ओपन करेंगे। ऊपर इंसुलेशन पैडिंग मिल जाएगी, 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है हमें डीसीटी वेरिएंट के साथ। टोटल 3 ट्रांसमिशन मिलेंगे इसमें, मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT और DCT। AMT और मैनुअल ट्रांसमिशन में 6 गियर लीवर का ट्रांसमिशन मिलेगा, और अगर हम आप लेते हैं वहाँ पे DCT तो वो 7 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा। तो भाई ये था आपका टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट फेयरलेस प्लस का DCT वेरिएंट का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस भी आने दिखाए। अब गाड़ी कैसी लगी, कलर कैसा लगता आपको फेयरलेस पर्पल डुअल टोन में, ये भी बताना क्या आपका ओपिनियन है, वो भी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।